वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम अदर वीडियो फॉर मेस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोगों की प्रिपरेशन सीएसआईआर नेट की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि बेसिकली 6, 7, 8 जून में आपका एग्जाम्स का डेट पहले से ही अलॉट किया गया हुआ है। सो राइट नाउ आपके पास अब 1 मंथ का टाइम बचता है। सो इट्स अ टाइम टू मेक अ स्ट्रेटजी टू रिवाइज ऑल द ह्यूज सिलेबस ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। ओके, सो इस टाइम पे अभी आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी और जो भी सभी आपने स्टडी किया हुआ होगा उस स्टडी को और ज़्यादा कंसाइज करके फोकस करके आपको प्रॉपर तरीके से टाइम लिमिटेड टाइम में आपको अपने पूरे सिलेबस को कवर करना होगा। सो आज के क्लास में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आपके इस नेक्स्ट अपकमिंग 1 मंथ के लिए, जिससे कि उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं सीएसआईआर नेट के एग्जाम्स में। सो अगर आप सीएसआईआर क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो दिस वीडियो जस्ट फॉर यू। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपनी स्ट्रेटजी को बनाने में। और अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को फॉलो करना तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीएसआईआर का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी लेंदी है और उसके लिए प्रॉपर टाइम जो होता है वो 6 महीने का मिलना चाहिए। सो बेसिकली अगर उसे प्रॉपर तरीके से पढ़ करके अगर प्रिपरेशन करने का टाइम अगर बात किया जाए तो उसके लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 3 मंथ का टाइम चाहिए होता है। बट अभी भी हम लोग 1 मंथ आपके पास टाइम है। उस 1 मंथ में क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, क्या आपको फॉलो करना है, कैसे अपने टाइम को और अपने माइंड को मैनेज करना है जिससे कि आप अपने स्कोर को मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं और अपने लिमिटेड टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट टाइम के साथ साथ में आप अपने माइंड को भी मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज सब कुछ माइंड का ही गेम है। अगर इस माइंड ने इस बात को सोच लिया कि आपका वो काम बहुत टफ है और आपके पास टाइम नहीं है तो डेफिनेटली आप उसे नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके माइंड में ये बात इम्प्रिंट होती है कि नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है और डेफिनेटली हम उसे कर सकते हैं, आप अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ में रहेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और ये 1 मंथ का टाइम भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो देखते हैं हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेटजी को लेकर के कि किस तरीके से आप अपने इस नेक्स्ट अपकमिंग 1 मंथ के लिए स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं और क्या वो तरीका रहने वाला है। ओके, सो जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो सीएसआईआर का वो इस तरीके से आपके 13 यूनिट यहाँ पे डिवाइडेड हैं और अब उस पूरे 13 यूनिट को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा सीएसआईआर का पूरा सिलेबस यहाँ पे 13 यूनिट्स लिस्ट किए गए हैं। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने जिसका जो भी बैकग्राउंड रहा हो, चाहे वो एमएससी बायोटेक्स रहा हो या फिर एमएससी बॉटनी से रहा हो, जूलॉजी से रहा हो, वट एवर जो भी आपकी एमएससी का रहा हो स्ट्रीम, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अब तक, अभी आप यहाँ पे मई में हैं, आज 9 तारीख हो गया है, 6, 7, 8 में एग्ज़ाम का डेट अलॉटेड है, तो लेस देन 1 मंथ आपके पास बाकी हुई है। सो इस 1 मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो आपको चीज़ काम आएगी वो होगा दैट इज़ द रिविज़न। आपको यहाँ पर रिविज़न करना रहेगा। दूसरा, इसके साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी डेली बेसिस पे, ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरा, अभी आपके जो कुछ टॉपिक छूटे हुए होंगे उनका आपको स्टडी भी करते रहना करना होगा। तो ये 3 फार्मूला है RPS का, जहाँ पे R स्टैंड फॉर रिवीजन, P फॉर प्रैक्टिस, N फॉर स्टडी। सो ये 3 जो फार्मूले हैं इनको लेकर के हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किन को आपको स्टडी करना है, क्या टॉपिक आपको रिवाइज करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। सो इन 13 यूनिट में से जो कोई भी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है उसमें से लगभग 6 से 7 यूनिट अगर आपने अभी तक का सिलेबस अगर इतना कवर हो चुका है, 6 to 7 यूनिट अगर आपने कवर कर लिया है, तो अब आपको आगे दूसरे यूनिट को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम में जितना भी आपने 6, 7 यूनिट चाहे कोई सा भी, चाहे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6 पढ़ा हो या 6, 2 मतलब कोई भी सभी यूनिट आपने जो पढ़ रखा हुआ है उस यूनिट में से 6, 7 जो यूनिट आपने पढ़ रखी हुई है उनको अब आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। आपके डेली का जो स्टडी प्लान होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से, आप ऐसे मान के चलिए कि इस टाइम पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे का अगर आप स्टडी करते हैं तो वो इनफ नहीं होगा। इतने बड़े सिलेबस में इतना ज़्यादा टॉपिक है और वो भी इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनको पूरा करने के लिए मिनिमम आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लगभग 4 आवर्स की घंटे की आपकी स्टडी डेली बेसिस पे होनी चाहिए, 4 घंटा पर डे मिनिमम। और इस 4 घंटे में जो टाइम स्लॉट आपको डिवाइड होगा वो कुछ इस तरीके से, जहाँ पर आप जो भी टॉपिक पढ़े हुए हैं उसको आप डेली बेसिस पे क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। सपोज आज आपने बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन उठाया और आपने बायोकेमिस्ट्री का पूरा मान लीजिए ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म आज आपने रिवीजन किया, तो उसी टॉपिक का जो आपने रिवीजन किया उसे सेम टॉपिक का क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे।
ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। जो टॉपिक आपने डे टाइम पे कभी भी, चाहे आपका जो भी पढ़ने का सुटेबल टाइम है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं टीचिंग करते हैं, तो आपको अपने हिसाब से टाइम निकालना पड़ता है। तो मिनिमम टाइम आपको अब से यहाँ से बेसिकली 4 आवर्स पर डे का चाहिए होगा। इतना टाइम अगर आप नहीं देते हैं तो डेफिनेटली आप मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, फिर आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। सो डेली बेसिस पे आपको 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम देना है रिवीजन करने के लिए। जो भी टॉपिक आप रिवीजन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन क्या कर रहे हैं, आप रिवीजन करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक होता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बायोकेमिस्ट्री मान लीजिए आपने ग्लूकोज मेटाबोलिज्म पूरा आपने रिवीजन किया, उसी ग्लूकोज के मेटाबोलिज्म का आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए आपके पास 2-3 तरह के सोर्स हो सकते हैं। नंबर पहला, आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है जहाँ पे आपको दे रखा है ढेर सारे क्वेश्चंस का बैंक, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मीन्स व्हाट, डेली बेसिस पे जो आपने टॉपिक को रिवीजन किया हुआ है उसका आपका प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। ये दो चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर जो भी कोई एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहा है और वो नेट के एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाह रहा है, रियली चाहते तो सभी कुछ हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे बोल देने से नहीं होता, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आपको ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी रहेगा। आप डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जो आप करेंगे, जितना भी टॉपिक आपने रिवीजन किया हुआ है, उन टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिलते हैं CSIR के, आप उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का टाइम पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं। नंबर पहला कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके होंगे क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो कि आपके पढ़े हुए होंगे बट आप उसमें से डाउट कर जाएंगे, राइट, डाउट वाले क्वेश्चंस होंगे। और कुछ टॉपिक ऐसे भी होंगे जिनको कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है। अब आपका यहाँ पे काम क्या हो जाता है कि जो क्वेश्चंस आपके डाउट वाले हैं आप उनको क्लियर करिए, जो आपका सॉल्व हो गया उनकी बात, उनकी दिक्कत है नहीं आपको। जो टॉपिक आपने यहाँ पे एकदम से आपको अनपढ़ा सा लगा है, मतलब जो टॉपिक आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है लेकिन क्वेश्चन जो आया वो आपका पढ़ा नहीं, मतलब आपको आपने नहीं पढ़ा हुआ है, अब उस टॉपिक का क्या करेंगे, आप स्टडी करेंगे। तो स्टडी, रिविजन और प्रैक्टिस, ये 3 जो चीज़ें हैं आपको कैसे करनी है ये आपको ध्यान में रखना होगा। नया कोई चीज़ अब आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब आपके लिए जो भी 6-7 यूनिट आपने पढ़ी हुई है आप उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। CSIR के JRF को क्वालिफाई करने के लिए 52+53+54+ मार्क्स जाता है। और अगर आपने इस 13 यूनिट के सिलेबस में से 7 यूनिट अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिए हुई है और उसकी प्रिपरेशन इस तरीके से है कि आप उसमें से जो प्रॉब्लम आते हैं आप उनको सॉल्व कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो नेट और JRF है वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे की वीडियोज़ हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, कैसे किस सेक्शन से कितना क्वेश्चंस आपको करना है और कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको फर्दर वीडियोज़ में बताएंगे। बट आज अभी हम लोग स्ट्रेटजी पर बात कर रहे हैं, तो जिसके लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे RPS का फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। तो रिवीजन डेली बेसिस पे होनी चाहिए। जो टॉपिक आपने रिवीजन किया उसी टॉपिक का आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस के टाइम पे 3 कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होगा, मान लीजिए 90% क्वेश्चन आपके क्या हो गए, सॉल्व हो गए। फिर इसके बाद 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डाउट में है, मतलब आपने पढ़ा तो है लेकिन आंसर आपका गलत हो गया। और मान लीजिए फिर आपके यहाँ पे सपोज 5%, यहाँ पे 5% क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो कि आपने उस टॉपिक से उसको पढ़ा ही नहीं है। तो जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, जो टॉपिक आपको डाउट था, उन दोनों टॉपिक को क्या करना है, आपको स्टडी करना है डेली बेसिस पे। और फिर से आपको नया टॉपिक स्टार्ट करना है रिवीजन के लिए, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर स्टडी करेंगे। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली आपकी 1 मंथ चलते रहनी चाहिए एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड अ वेरी वेरी इंप्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशन। आप देखेंगे कि आप अगर 1 हफ्ते ऐसा रूटीन से आप करते हैं डेली बेसिस पे, ऑनेस्टली आप रिवीजन करिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, जो आपके लिए अननोन है, उनको फिर से आप उस टॉपिक से स्टडी करिए, देखिए कि आपका कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। वैसे तो CSIR के सारे यूनिट इंपॉर्टेंट हैं और सारे यूनिट का वेटेज इक्वल होता है, लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका दैट इज़ 1st 1 हो जाता है, बायोकेमिस्ट्री वाला। और इसके बाद आपका मॉलिकुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी का हो जाता है। देन सेल बायोलॉजी का दोनों ये टॉपिक मिला करके हो जाते हैं, सेल और इम्यूनोलॉजी का, ये दोनों टॉपिक हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका इनहेरिटेंस बायोलॉजी, देन इसके बाद अप्लाइड मेथड्स इन बायोलॉजी। ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको कि आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको इनको पढ़ के ही जाना होगा और यहाँ से ढेर सारे सवाल आपको मिलते हैं। जो कोई कैंडिडेट बॉटनी का है वो प्लांट फिजियोलॉजी पोर्शन तैयार कर सकता है, जो जूलॉजी का है वो इसके अलावा एनिमल का कर सकता है और इवोल्यूशन बिहेवियर कर सकता है। जूलॉजी वालों के लिए ये यूनिट ठीक रहेगा। आपका एनिमल फिजियोलॉजी, इवोल्यूशन बिहेवियर, मेथड्स इन बायोलॉजी, अप्लाइड बायोलॉजी, ये सारे टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं।
सो डियर एस्पिरेंट्स, जो भी आपकी एमएससी का बैकग्राउंड रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पूरे सीएसआईआर के सिलेबस में से 6-7 यूनिट को कोई पिकअप कीजिए, कोई सेलेक्ट कीजिए जिसको आपने अभी तक स्टडी किया हुआ है, और उन स्टडी किए हुए टॉपिक को ये तीन फॉर्मूला आप याद रखिए आरपीएस का, दैट इज रिविजन प्रैक्टिस एंड स्टडी। क्या रिविजन करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, क्या स्टडी करना है, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सो होपफुली कि आप इसे अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। आगे हम आपके इस एग्जाम्स को लेकर के और भी स्ट्रेटजी एंड तरीके को लेकर के वीडियोस बनाते रहेंगे, और अगर आपका कोई भी नेट की तैयारी में कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है, चाहे वो कंटेंट को लेकर के या प्रॉब्लम को लेकर के, तो आप एमएस बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे अपना कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट और भी है, जो ऐसे स्टूडेंट जो कि बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बट वो तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है कि सीएसआईआर के नाम पे लोग 30 से 35 हज़ार रुपये पूरा क्या करते हैं, फ़ी लेते हैं दिल्ली जैसे सिटी में जाकर कोचिंग करने के लिए। तो अगर आप उतनी फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल आप चाहते हैं सीएसआईआर तैयारी करने के लिए, तो एमएस बायोलॉजी आपको इस चीज़ की तैयारी कराता है सीएसआईआर की, और वो भी बहुत ही कन्वीनियंट फ़ी में, जिसके लिए फ़ी सिर्फ और सिर्फ मात्र 5,000 रखी गई है, और आप ये पूरा का पूरा 6 महीने की क्लासेस आप इसमें अटेंड कर सकते हैं। आपको इसमें डेली पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाते हैं। तो जो भी कोई कैंडिडेट बेसिकली फाइनेंशियली कंडीशन से वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है और वो जुड़ना चाहता है, तो एमएस बायोलॉजी के चैनल पे उनका नंबर दे रखा है, आप इस पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल एमएस बायोलॉजी का, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल पाए।